टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर के नेटवर्क और उनके यूजर्स से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में रिलायंस जियो ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनी को पछाड़ते हुए 29.4 लाख नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। इसके साथ ही जियो नेटवर्क के उपभोक्ताओं की संख्या 41.59 करोड़ हो गई है, जबकि इसी महीने में भारतीय एयरटेल ने 5.1 लाख नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है, जिसके बाद एयरटेल के उपभोक्ताओं की संख्या 36.34 करोड़ हो गई है। बात करें टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया के यूजर्स लगातार कम होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया कंपनी के 15.4 लाख यूजर्स ने जुलाई में VI नेटवर्क को छोड़ा है। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स में लगातार कमी होती जा रही है। वोडाफोन आइडिया के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 25.51 करोड़ रह गई है। ट्राई के मुताबिक रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 36% से बढ़कर 36.23% हो गया है, जबकि भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर 31.63% से बढ़कर 31.66% हो गया है। वहीं वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 22.37% से घटकर 22.22% रह गई है। एक्टिव यूजर्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल के 97.99% यूजर्स नेटवर्क पर एक्टिव है। बात करें जियो की तो जियो के 91.88% ग्राहक एक्टिव हैं, वहीं वोडाफोन आइडिया के एक्टिव यूजर्स की संख्या 85.03% है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।